ये देखो यहाँ पे भीड़ कितनी ज्यादा, यहाँ पे पहाड़ों के साथ साथ एक्टिविटी बहुत हाड़ा। तो भाई लोग आज के व्लॉग में मैं आपको ले चलता हूँ फर्स्ट एवर फ्लोटिंग एक्वा पार्क दिखाने के लिए, ठीक है। एक्वा पार्क है जो कि फ्लोट करती है पानी के ऊपर, वो खोल दी गई है श्रीनगर स्मार्ट सिटी में। इससे पहले भी मैंने उसके ऊपर वीडियो डाला था लेकिन उस टाइम स्टार्ट नहीं हुई थी, आज वो स्टार्ट हुई है। फुल इन्फॉर्मेशन देती है आपको, क्या प्राइस है, क्या एज लिमिट है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला आज के व्लॉग में। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी ऑल कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस मैं ना अपनी स्कूटी पे जा रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा तो अकेले ही चलते। ओके तो फाइनली गाइस पहुंचा मैं डल लेक श्रीनगर स्मार्ट सी। यहाँ पे भीड़ चक्कर यार, बहुत ज्यादा भीड़ है हमेशा की तरह। ओके चलो फिर हम ढूंढते अपना वो फ्लोटिंग एक्वा पार्क। कश्मीर जन्नत है कश्मीर। मौसम भी ना आज अच्छा खासा है, बोल रहे थे बहुत सारे लोग कमेंट करके अपडेट दो मौसम के बारे में। तो मौसम गर्मी है हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से उतनी गर्मी नहीं है, हमारे हिसाब से तो ठीक ही मौसम है यहाँ पे। ओ भाई साहब ये भीड़ नहीं है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक नहीं है, ये भीड़ है, ठीक है। बहुत ज्यादा आप ना कमेंट सेक्शन में बोल देना ये पब्लिक है, भीड़ है या झुंड है, ये क्या है, ये कौन सी रैली है। ओ इतनी भीड़ भाई साहब। ऊपर से लोग देखो कितने सारे शिकारा राइड कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। भाई डल लेक के पानी के अंदर भी भीड़ जमा होगी, भाई ट्रैफिक हो गया पानी के ऊपर। आप सुना होगा आज तक पानी के ऊपर ट्रैफिक होता है, यहाँ पे शिकारा की वजह से ट्रैफिक हो गया। देखो कितने सारे लोग वो कर रहे हैं शिकारा राइड। हाँ बहुत हार्ड बहुत हार्ड। डल गेट में तो मैंने बहुत बारी भीड़ देखी है लेकिन इस साइड इतनी भीड़ भाई बहुत ही हार्ड, मतलब क्या ही बताऊं मैं इससे पहले यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ कभी नहीं देखी है, सच कह रहा हूँ मैं। ये देखो अगर मेरे को स्कूटी नहीं होती ना मैं आता ही नहीं वीडियो बनाने के लिए, इतनी भीड़ है। स्कूटी में यही है ना फायदा, गलियों से निकलो ऐसे करके करके वो करके देखो है ना। तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे डबल डेकर बस बस बस, यहाँ पे डबल डेकर बस पार्किंग में ही उसकी वो है स्टैंड है डबल डेकर बस का। ओके चलो जी यहाँ पे भी देखो बहुत ही ज्यादा भीड़ है, बहुत हार्ड भीड़ है यहाँ पे जबरन। तो गाइस फाइनली पहुंचा मैं एक्वा पार्क के पास। अब जब SKICC ले रहा है, SKICC यहाँ पे होटल ठीक है, वो जब आप क्रॉस करोगे ना SKICC उसके बाद आपको दूर से नजर आएगा एक्वा पार्क। एक्वा पार्क सोचते अगर तो गाइस फाइनली पहुंचा मैं अभी जहाँ पे एक्वा पार्क है ठीक है। यहाँ पे ना 5 साल से ऊपर कोई भी इस पे चढ़ सकता है, इसमें कुछ टास्क सब कंप्लीट करने पड़ते हैं ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन खोल दिया गया है, यहाँ पे एक और चीज खोल दी गई है जिसका नाम है क्रूज, जैसे कि वहाँ समंदर में क्रूज होती है ना, वहाँ यहाँ पे भी खोल दी गई है, ये देख सकते हो वहाँ पे। यहाँ पे ना टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है, दूर से ही नजर आता है, 5 साल से ऊपर कोई भी इसमें चढ़ सकता है। एडल्ट्स के लिए 400 रुपीज और उससे कम जो है उनके लिए 300 रुपीज फॉर 30 मिनट्स। ओके तो फुल इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, फुल इन्फॉर्मेशन आपको बस सब्सक्राइब कर लेना और भीड़ चेक करो। यहाँ पे पार्किंग वार्किंग सब कुछ बुक हो चुका है, यहाँ पे ट्रैफिक बुक हो चुका है, यहाँ पे लोग भी बुक हो चुके हैं, इवन टूरिस्ट बुक हो चुके हैं, यहाँ पे चलने की जगह अभी नहीं है। ये देखो क्रूज वहाँ पे जो मैं बोल रहा था, ये रहा क्रूज और वो रहा वहाँ पे एक्वा पार्क। तो ये देखिए यहाँ पे क्रूज और वो रहा वहाँ पे एक्वा पार्क। हाँ भीड़ बहुत ही ज्यादा है। ठीक है वो रहा वहाँ पे एक्वा पार्क, उसमें टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं और वहाँ पे सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट मिलेगा और स्विमर्स भी होते हैं इनके बंदे साथ में ठीक है। और ये रहा यहाँ पे क्रूज, क्रूज में ना बहुत सारे बंदे चढ़ रहे हैं ठीक है। और वो रहा जेट्स की बहुत हार्ड, और वो रहा वहां से सनसेट। रही रही भीड़, कमेंट सेक्शन में बोल देना ये भीड़ है कि क्या है ठीक है। यहाँ पे आप जेट्स की कर सकते हो, बनाना राइड वहां पे बोट है, साइकिल वो कुछ पता नहीं साइकिल रोलर है, और वहां पे वाटर जॉर्बिंग हुआ, ये हुआ क्या बोलते उसको एक्वा पार्क का। और ये रहा यहाँ पे क्रूज,
ये रहे यहाँ पे लाइफ जैकेट्स, ये देखो यहाँ पे भीड़ कितनी ज्यादा है, यहाँ पे शिकारा राइड भी कर सकते हो, मैंने आपको बोला एक्वा पार्क है, पेंसिल बोट है, बनाना बोट है, वो साइकिल रोलर की क्या बोलते उसको वो भी है, छोटी बोट है भाई, यहाँ पे ना एडवेंचर कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे डग बोट भी है ये देखो, और क्रूज निकली, आज कुछ तो पानी करते हैं, ओ, ओ, ये देखो डक बोट, यहाँ पे शिकारा, जो भी मर्जी है यहाँ पे आप हर कोई एक्टिविटी कर सकते हो, यहाँ से भीड़ चेक करो, इसकी वजह से यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी है, मतलब यहाँ पे ना मैं वीडियो भी नहीं उठा पा रहा, इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, ये देखो कितनी भीड़ है, लाइन लगी पड़ी है यहाँ पे, क्योंकि लोग ना यहाँ पे वेट करे कब वो क्रूज आएगी, हम क्रूज पे चढ़ेंगे, और वो तो मैंने आपको बताया यहाँ पे एक्टिविटी करनी पड़ती है, अब 400 रुपीज फॉर एडल्ट और बच्चों के लिए 300 रुपीज फॉर 30 मिनट्स, ओके एक्टिविटीज, वहां से सीधा स्लाइड पानी में, वो बोलते ना एक बच्चा पानी में गया छपाक तो ये तो था यहाँ पे एक्वा पार्क जो कि मैंने आपको दिखाना था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है इसकी वजह से, वो टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं इस पे, ठीक है, और जर्सी की यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, ये वहां से आता ना राइड करके साथ में कोई ना कोई चढ़ता है, बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी है, और ये देखो यहाँ पे पता नहीं रोलर बोलते है, साइकिल बोलते है, पता नहीं क्या बोलते, जो भी बोलते ना ये बोलते है, बहुत ही खतरनाक है, देखो कैसे हिलता है ये, डेंजरस है, डेंजरस ये देखो, तो वो रहा अपना वो क्या बोलते हैं एक्वा पार्क, हाँ ये रहा वाटर अब्जॉर्बिंग, और क्या है वहां पे पेंसिल बोट, वहां पे बनाना बोट कहाँ गई, वहां से बनाना बोट और डक बोट, ये देखो यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी भी खोल दी गई है यहाँ पे सामने, लेकिन पार्किंग बुक है बुक है बुक है, ये आ गई वहां से क्रूज, और शाम के टाइम ना इस क्रूज में लाइटिंग ये सब ये होती है, ठीक है, और यहाँ पे देखो तूफानी चल रहा है, तूफानी इन्होंने माउंटेन ड्यू अभी अभी पिया है, वहां से चेक कर सकते हो वहां से कौन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है डबल डेकर बस 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 डबल डेकर बस, और यहाँ पे अगर आप थकोगे ना एक्टिविटी करते हुए तो यहाँ पे सन प्लाजा खोल दिया गया है, स्मार्ट सी वर्क आपको पता ही है, तो यहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो, एंजॉय नहीं कर सकते हो रेस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ना रात के टाइम बहुत ही ज्यादा मजा होता है, लाइटिंग ये सब होती है, ये देखो यहाँ पे डल लेक सनसेट प्लाजा, यहाँ पे बैठ के आप रेस्ट कर सकते हो बिल्कुल, वाटर अब्जॉर्बिंग ये सब के सामने है, ओके, ये देखो यहाँ पे आप बस भी चला सकते हो भाई, फुल ना फुल एक्टिविटी, यहाँ पे आप बोर नहीं हो जाओगे डल लेक में, फुल एंजॉय कर लो आगे, पहाड़ों के साथ साथ एक्टिविटी बहुत हाड़ा, ये ना हाल ही में यहाँ पे बैठने के लिए जगह बना दी गई है, इसका नाम है सनसेट प्लाजा, स्मार्ट सी वर्क ही हुआ है, इसके ऊपर मैंने वीडियो डाला है अलग से, वो आप चेक कर सकते हो, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ से फुटपाथ से सबका ये था 9.3 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जो कि डल लेक से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप साइकिल भी ले सकते हो, साइकिलिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे साइकिल देखो वहां से साइकिलिंग कर रहे हैं, तो आप भी आ सकते हो साइकिलिंग कर सकते हो, फुल एंजॉय कर सकते हो, बोर होने का नाम ही नहीं ले सकते हो, कि यहाँ पे बोर इंसान हो ही नहीं सकता, कैसे होगा बोर, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर ही सकता है कि नहीं, बस पैसों का खेल है, पैसे होंगे एंजॉय करेंगे, हाँ तो मित्रों ये तो था यहाँ पे एक्वा पार्क, ठीक है, तो यहाँ पे ना कभी कभार आते हैं आप लोग, डरते भी है ना वो लाइफ जैकेट लगा के पानी में उतरना ये सब, तो भीड़ तो होती है यहाँ पे, जिसको चढ़ना होता है वो चढ़ता है यहाँ पे, अभी यहाँ पे कोई नहीं चढ़ा था, दूर है ना वहां पे, मेरे को जूम भी नहीं होगा, जो यहाँ पे एक्वा पार्क है ना बिल्कुल पानी के बीच में, डल के बीच में, वहां पे जूम भी नहीं होगा, तो यही था एक्वा पार्क जो कि स्टार्ट हुआ है, पहले ये बहुत ही दूर रखा था इन लोगों ने, जहां से वो शालीमार कैनाल का प्रोजेक्ट है अभी पास में लाया है यहाँ पे, SKCC बिल्कुल, SKCC जब आप क्रॉस करोगे ना उसके बाद आपको सीधे दिखाई देगा यहाँ पे एक्वा पार्क, ठीक है, ये इसका एड्रेस, यहाँ पे आप कर सकते हो जेट स्की कर सकते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, तो ये तो था आज के व्लॉग ना फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही जैम है, मैं रास्ते में वीडियो नहीं उठा सकता हूँ क्योंकि ट्रैफिक बहुत जैम है कि नहीं, तो करते हैं आज की वीडियो तो यहीं पे एंड, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत ज्यादा नीड है आप लोगों की सपोर्ट की, प्लीज फुल सपोर्ट कीजिए अपने भाई को, मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहे, बाय बाय, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज।